बाराबंकी के कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात सिपाही को धार्मिक स्थल के पास मदिरा पान कर रहे शराबियों को कानून का पाठ पढ़ाना महंगा पड़ गया। दरअसल देर रात गश्त कर रहे ऑन ड्यूटी सिपाही को शराबी युवकों ने साथियों के साथ लाठी डंडों से पीट पीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना काल में मोहर्रम और गणेश चतुर्थी को लेकर शाहबाद कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता SDM अतुल प्रकाश श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी अखिलेश राजन और कोतवाल महेश चंद पांडे सहित कई लोग बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मोहर्रम और गणेश उत्सव को शांतिपूर्वक घरों पर ही मनाने की अपील की गई। इस मौके पर SDM ने कहा कि कोई भी घर पर न तो ताजिए रखेगा और न ही गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। प्रकार का कोई मूर्ति स्थापित नहीं होगा। एक लाइन पूजा आप अपने घर में करिए, आप स्वतंत्र किसी प्रकार का पूजा पाठ करने का कोई मना नहीं। हरदोई जिले में पहुंचे नए जिलाधिकारी अवनीश कुमार का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद ट्रेजरी ऑफिस पहुंचकर नए जिलाधिकारी ने चार्ट संभाला। DM ने कलेक्ट्रेट में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण किया। अभी तक अवनीश कुमार मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रह चुके हैं। नए DM अवनीश कुमार इससे पूर्व हरदोई में ट्रेनी IAS के तौर पर भी रह चुके हैं। कोविड हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है, हमें उसे कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लेने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सुबह सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक करते हैं और रिव्यू करते हैं, तो उनके जितने भी निर्देश दिशा निर्देश आते हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग ततारपुर बाईपास पर मिनी ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाईपास पर घटना में ट्रक चालक और 2 कार सवार सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पे बाईपास पर जो है एक मिनी ट्रक से और एक कार से अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कार का जो ट्रक का जो चालक था उसकी डेथ हो गई है और कार पे 3 लोग सवार थे जिन्हें जो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कोरोना संकट काल के बीच UP विधानमंडल दल का मानसून सत्र गुरुवार से आरंभ हो गया। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अस्वस्थ और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले विधायक सदन की कार्यवाही में वर्चुअल रूप से शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को BJP विधानमंडल दल की वर्चुअल बैठक में CM योगी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रास्ता सुझाया। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में कोरोना वायरस से बचाव के उपायों पर चर्चा की गई। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए मिली 5 एकड़ भूमि पर बाबर के नाम से कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने अपनी मांग को रखते हुए कहा कि बाबर से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसीलिए उसके नाम से यहां पर विकसित होने वाले किसी भी निर्माण का नामकरण न किया जाए। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली 5 एकड़ भूमि पर बनने वाले अस्पताल या स्कूल का नाम भारतीय मुसलमान महापुरुषों के नाम पर रखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कुछ लोगों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इन लोगों ने एक प्राइवेट बस को अगवा कर लिया और ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बना लिया। बस में 34 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि यात्रियों को झांसी में उतार दिया गया। आपको बता दें, शहर के न्यू दक्षिणी बाईपास पर मंगलवार देर रात जा रही बस पर फाइनेंस कर्मियों ने बदमाशों की स्टाइल में अवैध तरीके से कब्जा कर लिया।